एवरीवन, आज का हमारा सब्जेक्ट है एसपी चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये चैप्टर हमने पहले भी वीडियोस बहुत अपलोड किए हैं, जैसे कि हमने उसमें किए हैं इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो उसमें हमने सोर्सेज बताए हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से कंपनी फाइनेंस ले सकती है। सिर्फ कंपनी इक्विटी शेयर से, प्रिफरेंस शेयर से और डिबेंचर से ही फाइनेंस नहीं ले सकती है, बट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से और कमर्शियल बैंक से भी फाइनेंस ले सकती है। जैसे कि हमने किया था उसमें कंपनी ओन्ड कैपिटल था वो कंपनी का, कि कंपनी बिजनेस में फाइनेंस से इक्विटी शेयर से ले रही है या प्रिफरेंस शेयर से ले रही है। बट अगर कंपनी बॉन्ड से ले रही है या डिबेंचर से ले रही है तो वो कंपनी का बोरोड कैपिटल था। और अभी हम बोरोड कैपिटल के ही क्राइटेरिया में दूसरे देख रहे हैं, जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट्स और क्रेडिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। अभी ये दोनों कैसे हुए, पब्लिक डिपॉजिट और क्रेडिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, वो हमने देखा था डिबेंचर्स और बॉन्ड्स मीडियम टर्म फाइनेंस थे। और ये देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट और क्रेडिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि कंपनी कैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी पब्लिक डिपॉजिट और कॉमर्शियल बैंक से लेती है। चलिए अभी देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स क्या, कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक से लेती है, अपने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करके पब्लिक को बोलती है कि मेरे डिपॉजिट रिसिप्ट लो, मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट इशू करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट इशू करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं डिबेंचर होल्डर्स को और बॉन्ड होल्डर को, दोनों को सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर होल्डर को भी और बॉन्ड होल्डर को भी। वैसे ही पब्लिक डिपॉजिटर्स को एक रिसिप्ट मिलता है कि आप हमारे पब्लिक डिपॉजिट होल्डर हो, कि आपको ये फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मिनिमम 6 मंथ रहता है ड्यू और मैक्सिमम 36 मंथ रहता है। पब्लिक डिपॉजिट का ड्यू 6 मंथ से 36 मंथ तक रहता है। पब्लिक डिपॉजिट मेनली पब्लिक में इशू होता है कंपनी के तरफ से, ये बोरोड कैपिटल है, कंपनी बोरो करती है पब्लिक से, मेनली क्रेडिटर्स होते हैं पब्लिक ये कंपनी के। तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है पब्लिक का, पर इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है कि किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो कि हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। डिबेंचर होल्डर्स को कैसे सिक्योरिटी रहती है, हम क्रेडिटर्स हैं हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसमें कैसे सिक्योरिटी नहीं रहती है, बट इंटरेस्ट जो होता है ना वो हाई होता है कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, रिस्की होता है ये, इसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा बट पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्मेशन नहीं रहता है, ये सब RBI के रूल्स के हिसाब से ही चलता है। क्लियर। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है ना 6 मंथ से 36 मंथ तक चलता है, पब्लिक से लिया जाता है पैसा, रिस्की होता है, सिक्योरिटी नहीं मिलता है, कंपनी इशू करती है। ओके, अभी इसके ये कुछ मतलब मेन फंक्शंस है वो बताती हूँ। सीलिंग ऑन डिपॉजिट, सीलिंग मतलब मेन जो है ना, सीलिंग मतलब इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कंपनी 25% से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से। ओके, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ एंड फ्री रिजर्व फ्रॉम अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स हैं ना, उनसे भी 10% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स हैं ना, उसमें से भी करना है तो 10% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। क्लियर। अगर मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट ये कब होता है, 6 मंथ से पहले नहीं हो सकता, 36 मंथ के बाद नहीं हो सकता पब्लिक डिपॉजिट, जैसे कि मैंने बताया मीनिंग में 6 मंथ से पहले नहीं हो सकता, 36 मंथ के बाद नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन इशूड बाय द कंपनी है। डिबेंचर्स में कैसे सिक्योरिटी मिलती है कि हमें ये अमाउंट रिटर्न मिलेगा, इसमें हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसके वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, कंपनी रजिस्टर बना के रखती है, उसमें नेम ऑफ द डिपॉजिटर, अमाउंट कितना लिया है, इंटरेस्ट कितना देना है, एड्रेस, प्लेस सब लिखा हुआ रहेगा उसमें रजिस्टर में। ओके, स्टेटस ऑफ डिपॉजिट होल्डर क्या है, स्टेटस क्रेडिटर है। क्लियर, इतना इसका शॉर्टी मीनिंग है, सिंपल है। पब्लिक डिपॉजिट है जो पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है, कंपनी कलेक्ट करती है,
कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए कंडक्ट करती है, 6 मंथ से 36 मंथ तक ही होता है, अनसिक्योर्ड होता है, RBI के रूल के हिसाब से चलता है, और क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि अनसिक्योर्ड है, 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और 10% अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर को कर रहे थे। बस क्लियर। अभी दूसरे के तरफ बढ़े, क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक क्यों, क्या आपको पता है कि जो बैंक्स रहते हैं उनका मेन फंक्शन क्या रहता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग द मनी, पहले पैसे लेना, लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो लेना, और डिपॉजिटिंग और लेंडिंग करना, जो पैसे आए हैं वो दूसरों को देना, लोन देना। आपको पता है कि बैंक के 3 types ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट रहता है, दूसरा रिकरिंग अकाउंट रहता है, तीसरा फिक्स्ड अकाउंट रहता है, चौथा करंट अकाउंट रहता है। 4 types ऑफ बैंक अकाउंट रहते हैं, कौन से, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा रिकरिंग अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड अकाउंट, चौथा करंट अकाउंट। तो अभी करंट अकाउंट कौन से के लिए रहता है, बिजनेसमैन के लिए, जो करंट अकाउंट रहता है लोन के लिए, अगर करंट अकाउंट में किसी को लोन चाहिए तो वो लोन फैसिलिटी उनको अवेलेबल रहती है। अभी यहाँ पे मेन हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को बैंक ऐसे भी लोन दे सकती है और करंट अकाउंट के थ्रू भी लोन दे सकती है, बट बैंक बिजनेस को लोन ऐसे ही नहीं देगी, लोन देगी भी तो मॉर्टेज पे देती है। मॉर्टेज मीन्स कुछ सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी मीन्स जो एसेट्स होती हैं कंपनी की वो देना, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स मीन क्या, सपोज अगर हमारी 100% रिक्वायरमेंट है, हमारी मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी कंपनी को 80,000 लोन चाहिए और 1 lakh, समझो 1 lakh लोन चाहिए, तो 1 lakh का 1 lakh ही लोन नहीं देगी बैंक, कंपनी को बोलेगी हम आपको 20% अपना मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखेंगे, मीन्स आपको हम 80% देंगे, इसका मतलब हम आपको 80,000 देंगे, 20% अपना मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखेंगे, मतलब हम अपने पास सिक्योरिटी रखेंगे कि आपको हमने लोन दिया है, 20,000 अपने पास रखेंगे, 80,000 आपको देंगे, 1 lakh की पर आपको हमारे पास सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, वो 1 lakh की कोई भी एसेट बैंक के पास कंपनी को रखनी पड़ेगी कि आपने हमको लोन दिया है। क्लियर। यहाँ पे क्या बताया गया है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही RBI के हिसाब से है, मॉर्टेज रखना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, 1 lakh का हमें लोन चाहिए ना तो 80% मिलता है, सपोज किसी बैंक ने बोला 80% मिलेगा, मतलब 80,000 मिलेगा, 20% वो रखेंगे, मतलब 20,000 कम मिलेगा, और उसके बाद हमें कोई सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको कैश के बेसिस पे बताया, अगर यहाँ पे कैश बेसिस नहीं है, करंट अकाउंट पे है, यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट। टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट पे कौन सी फैसिलिटी मिलती है हमें, कैश क्रेडिट, कैश लोन और ओवरड्राफ्ट, ये 3 types की बैंक फैसिलिटी देती है। उसमें फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट में हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब हमने अपने अकाउंट से ओवर विड्रॉन कर दिया है, करंट सेविंग में हम अपने अकाउंट से ओवर विड्रॉन नहीं कर सकते हैं, जितना हमने डिपॉजिट कराया है उतना ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। रिकरिंग में भी सेम है, फिक्स्ड में तो हम विड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड पीरियड के लिए उसमें उतना जमा करना ही है हमें। बट अभी हमारे करंट अकाउंट में सपोज 80,000 पड़ा है, बट हमने 1 lakh निकाल दिया, जो हमने 20,000 एक्स्ट्रा निकाला है ना, उस पे कंपनी के 20,000 पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना, जब तक कंपनी को 20,000 एक्स्ट्रा बैंक में डालती नहीं है अपने अकाउंट में, तब तक वो 20,000 पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, क्योंकि वो 20,000 विड्रॉवल हुआ है, ओवरड्राफ्ट हुआ है करंट अकाउंट से। क्लियर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस पे रहती है, करंट अकाउंट पे रहती है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना, अगर सपोज यहाँ पे किसी कंपनी ने 10,000 डाल दिया, बाकी 10,000 रखा है, तो इंटरेस्ट 20 पे नहीं लगेगा, 10 पे लगेगा, क्योंकि उसने बैलेंस सिर्फ अभी 10 ही रखा है, तो सिर्फ 10 पे लगेगा। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, बट जितना बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। क्लियर। कैश क्रेडिट, ये भी करंट अकाउंट का ही हिस्सा है, बट उसमें हमने क्या किया,
चेक्स निकाले थे 80 पे 1 लाख का चेक निकाल दिया था तो 20 एक्स्ट्रा निकाला था, बट यहाँ पे हमने निकालना 80,000 था कैश, निकाल लिया 1 लाख कैश, तो 20,000 का कैश निकाला। तो यहाँ पे सेम ही सिचुएशन है, बट यहाँ पे चेक था, यहाँ पे कैश है। सिर्फ सिचुएशन सेम है, सिर्फ कैश और चेक का फर्क है। तो यहाँ पे भी सेम ही लगेगा, सिर्फ चेक के बदला कैश पे लगेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हम अगर इंटरेस्ट पहले 20 पे भरेंगे, उसके बाद अगर कंपनी ने 10 डिपॉजिट करा दिए तो बैलेंस अमाउंट पे लगेंगे। क्लियर। कैश लोन, अगर किसी कंपनी ने बैंक को कन्वेंस किया है कि हमें लोन दो, बैंक लोन दे रही है और बताया लोन इतना दूंगी, इतना लोन पे हम इतना बैंक चार्ज करेगी, ओके। अगर बैंक इतना चार्ज कर रही है, सपोज किसी बैंक से किसी कंपनी ने 1 लाख लोन लिया, 1 लाख लोन पे हर मंथ वाइज कंपनी 10% के हिसाब से चार्ज कर रही है, तो 10,000 सपोज 1 मंथ में 1 लाख पे किया, 6 मंथ बाद अगर किसी कंपनी ने 20,000 डिपॉजिट करा दिए तो 80,000 पे उसका सिर्फ लगेगा। यहाँ पे भी सेम ही है, अगर जमा करा दिया तो बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। क्लियर। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और कैश लोन, स्टूडेंट्स ये जो दोनों है ना, दोनों ही स्मॉल जो होते हैं ना, स्मॉल के लिए या तो मतलब स्मॉल स्केल के लिए, बोरोइंग के लिए या तो स्मॉल टर्म के लिए तभी काम आते हैं कंपनी के, मीडियम के लिए या तो फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं ना, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या तो इक्विटी शेयर तभी काम आते हैं, ये बोरोड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काम आते हैं। और भी शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ हैं, मैं आपको दूसरे वीडियोस में वो अपलोड करूँगी और बताऊँगी। आपको इस इन सिक्योरिटीज़ में कोई डाउट हो या किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करें, आई विल श्योरली आंसर यू। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, थैंक यू।